ये बच्चा हमारे को मधुबन पार्क में करीब 12 बजे के आसपास मिला है। प्राइवेट गाड़ी में मेरा चौकी का सारा स्टाफ इसको लेके सारे हिसार के अंदर गली गली में फिरे हैं। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। एक बच्चा है जो काफी समय से गुम हुआ हुआ है और आप इसको काफी समय से मतलब लेकर के घूम रहे हो लेकिन अभी कोई समाधान इसका नहीं हुआ है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे। किस प्रकार से है, क्या आपको कहाँ मिला है और किस प्रकार की सारी घटनाक्रम है? ये बच्चा हमारे को मधुबन पार्क में करीब 12 बजे के आसपास मिला है और हमने हमारी प्राइवेट गाड़ी में मेरा चौकी का सारा स्टाफ इसको लेके सारे हिसार के अंदर गली गली में फिरे हैं। ये माँ का नाम बता रहा है, बाप का नाम बता रहा है और इसके बुआ कहते हैं, बुआ रहती है, प्रॉपरली एड्रेस नहीं बता रहा है ये कुछ भी जी। इसके माँ बाप तक पहुँचाने हमारी 100% कोशिश रहेगी जी। बच्चे ने क्या नाम बताया अपना? इसने बच्चे ने बताया प्रिंस जी। और माँ बाप का क्या नाम बताया? रेखा माँ का नाम है इसका, बाप का नाम बेटा बाल किशन। तो आपको क्या लगता है, क्या आसपास के एरिए का ये बच्चा हो सकता है? आसपास के एरिए का हो सकता है बच्चा, लंबा निगारा बनियान पहने हुए है और मैंने 100 नंबर कंट्रोल में वीटी करके बता दिया सभी को, सभी थानों के अंदर मैसेज दे दिया है, आपके मध्य से भी मैसेज सभी को दिया जाएगा ये जी। आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी इस बच्चे को लेकर के, क्योंकि माँ बाप से मिलवाना बहुत जरूरी है और इस सूरत में आप आगे क्या करेंगे? हम 100% रात तक इसको हम ही कवर करके रहेंगे, इसको खाना खिलाएंगे, अच्छी तरह सुवाएंगे और सुबह फिर इसको अपने माँ बाप के पास भेजेंगे जी। किसी कारणवश अगर सुबह ये बच्चा माँ बाप तक नहीं पहुँच पाता है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिर इसको अनाथालय वगैरह में जहाँ भी है इनका वो होता है उनके पास छोड़ देंगे, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो। तो ठीक है, और इसके अलावा जैसे और भी माँ बाप, जैसे माँ बाप से बच्चे दूर होते हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो परिवार है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके बच्चों को उनको संभाल के बच्चों को संभाल कर रखो, आजकल बच्चों का उठाने उठने का प्रकोप ज्यादा चल रहा है, अपने बच्चों को घर से बाहर निकलते तो ध्यान रखें। धन्यवाद। पुलिस की इसमें अहम भूमिका रहेगी, विज्ञापन के थ्रू, टीवी के जरिए, आप पत्रकार भाइयों के जरिए हम इसको कवर करेंगे सब। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र जी जो HAU के इंचार्ज हैं और काफी समय से इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे सुबह दोपहर 12 बजे से इस बच्चे को लेकर घूम रहे हैं, कोई भी अभी तक इस बच्चे का समाधान नहीं हो पाया है। ये भी नहीं पता लग पाया है कि इसके माँ बाप कौन है या कौन से एरिए से ये आया है और कहाँ पर ये खेल रहा था। अब जैसे कि आपको बताया जाए कि HAU चौकी में अभी ये बच्चा है और ये मधुबन पार्क हिसार के अंदर ये सुबह से वहां मिला है और अभी तक इसके माँ बाप का पता नहीं लग पाया है। आप हमारी जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि इस बच्चे तक हम पहुंच सके। इस बच्चे इसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार सारी घटनाक्रम हुई। बच्चा क्या नाम आपका? प्रिंस। प्रिंस, आप कहां आए थे, कहां पे थे आप सुबह? ये पार्क के पास थे आप, तो आपका माँ बाप का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है? पाल किशन। और माता जी का क्या नाम है? मम्मी का रेखा। तो आपके साथ कोई और भी था या आप अकेले आए थे खेलने घूमने के लिए? आपके साथ कोई और भी था? अकेले आ गए आप। तो आप कहाँ रहते हो, कुछ ध्यान है जगह का, कुछ आपको पता हो आसपास का एरिया जहाँ पे आप रहते हो या कोई मकान किराए पे ले रखा हो या झोपड़ी में या आसपास रहते हो? घर में रहता हूँ। किसी के घर में रहते हो जी? अपने घर में रहते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अभी पता नहीं आपको घर कहाँ है, अभी याद नहीं है आपको, है? ठीक है। वीरेंद्र जी से जानना चाहेंगे, वीरेंद्र जी हमें लगता है कि ये बच्चा आसपास के एरिया के का है, तो वहाँ पर आसपास के एरिया में जो प्रीतिनगर प्रेमनगर है या और वो आसपास का एरिया है वहाँ पर जहाँ, क्योंकि ये बच्चा जिस हिसाब से लग रहा है कि रेंट पे कहीं रह रहा है, तो आपको क्या लगता है आपको वहाँ भी थोड़ा सा ढूंढना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बच्चे को लेकर महावीर कॉलोनी, कृष्णा नगर, सेक्टर 14 जोगियों में, तकरीबन शहर के हर कोने में हम गए हैं, अभी तक इसका कोई पता नहीं लगा हमें। धन्यवाद। और लगता है कि आपकी तलाशी और जारी रहेगी और आने वाले समय में बहुत जल्द इस बच्चे को माँ बाप से मिलाने का काम करें। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ चौकी इंचार्ज जी वीरेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम जो है एडी चोटी तक का जोर लगा देंगे और उनके माँ बाप को है इन बच्चे से मिला कर रहेंगे चाहे कितना भी, और इनके लिए हम चैनल के माध्यम से भी वीरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतने अपनेपन से इस बच्चे को सुबह से लेकर के घूम रहे और इसके माँ बाप तक पहुँचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और ये बड़ा सराहनीय
काम है पुलिस प्रशासन का? अच्छा, और आप कहाँ उतरे बस से? तुसाम। तुसाम से चले हो आप? आपके गांव का क्या नाम है? अभी बड़ोपल। बड़ोपल? अभी आप डांग बता रहे थे, वो क्या है? वो डांग मम्मी पापा रहा कर। अच्छा, आपके मम्मी पापा रहा कर? बड़ोपल में बुआ रहा कर। अच्छा, बड़ोपल थारी बुआ रहा है? क्या नाम बच्चा बुआ का? वो का नाम नीतिया। नीता? नीतिया है? नीतिया। नीतिया, के कास्ट में पढ़ो बेटा आप? कौन सी जाति है? वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है? तो दर्शकों, जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं चैनल के माध्यम से, जो हमारे हजारों लोग जो हमसे जुड़ते रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचाने जा रहा हूं कि ये बच्चा वाल्मीकि समाज से है और काफी समय से ये गुम हो चुका है। ये इनका कहना है कि मैं बस में आया था और बालसमंद में इनकी बुआ जी रहती है, इनका नाम अनीता भी है, और ये डांग गाँव का है जहाँ पर इनके माँ बाप रहते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा और जल्द से जल्द इस बच्चे को जो माँ बाप से मिलाने का कार्य आप सभी जो है दर्शक करें, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।